मेरा नाम है अमित खट्टर और आज मैं सिखाऊंगा सॉलिडवर्क्स के अंदर शीट मेटल की सारी कमांड्स करेंगे। ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि शीट मेटल को कैसे यूज़ करना है ना, और उसमें कौन कौन सी कमांड्स हैं। तो कोई भी शीट मेटल का अगर मेरे को कंपोनेंट चाहिए तो सबसे पहली चीज़ चाहिए हमारे को बेस फ्लैंज, यानी हमारे को एक बेस शीट चाहिए जिसको मुझे शीट मेटल में कन्वर्ट करना है। अब वो बेस शीट रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकती है या किसी और शेप में भी हो सकती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हमारे को कैसी शेप चाहिए। इसकी डायमेंशन हम दे सकते हैं जैसे पहले 2D स्केच में देते थे, ऑल एंटिटीज कैलकुलेट करके। ठीक है, तो जितनी भी डायमेंशन चाहिए वो देने के बाद फिनिश करेंगे। तो ये हमारे से थिकनेस पूछेगा, शीट मेटल की थिकनेस। ठीक है, कोई भी चीज़ को हम शीट मेटल तब बोलते हैं जब उसकी थिकनेस 6 mm से कम हो। अगर कोई चीज़ 6 mm से ज़्यादा मोटी है तो उसको शीट नहीं बोलते। ठीक है, तो यहाँ पे हम थिकनेस दे देते हैं मान लो 2 mm की। एक बात याद रखनी है, जितनी हम यहाँ पे थिकनेस दे देंगे उतनी ही रहेगी पूरे सारी कमांड्स के अंदर, हम बाद में शीट की थिकनेस चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक होता है के फैक्टर। क्या होता है, हर एक मटेरियल जो है जब भी हम उसको बेंड करेंगे या स्ट्रेच करेंगे तो वो उसमें कुछ स्ट्रेचिंग हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं के फैक्टर, भी कितना स्ट्रेच होगा। और अगर मैंने किसी चीज़ को बेंड किया और उसको दोबारा खोल दिया बाद में तो वो थोड़ी सी या तो एक्सटेंड हो जाएगी, लंबी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं के फैक्टर। ठीक है, ये रिलीफ के बारे में आगे मैं बताऊंगा। इसको जस्ट हमने ओके किया तो यहाँ पे हमारे पास एक बेस फ्लैंज आ गई। बेस फ्लैंज आते ही क्या हुआ, ये सारी कमांड्स ऑन हो गई। ठीक है, पहले ऑफ थी। तो सबसे पहली कमांड जो है वो है एज फ्लैंज। एज फ्लैंज में क्या होता है, जिस एज पे मैं क्लिक कर दूंगा तो वहां से एक फ्लैंज बननी शुरू हो जाएगी। अब फ्लैंज कितने डिग्री पे चाहिए हमारे को वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब जब कोई चीज हमने एज पे बेंड की, क्योंकि ये शीट मेटल है तो यहाँ पे बेंडिंग रेडियस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब ये बेंडिंग रेडियस डिफॉल्ट चाहिए या हम इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। जितना हम बेंडिंग रेडियस बोल देंगे तो उतना बेंडिंग रेडियस वहां पे आ जाएगा। ओके करेंगे तो ये बेंड हो जाए। ठीक है, हमने क्या किया, एज फ्लैंज ली और कोई भी एज सेलेक्ट की। ठीक है, नीचे वाली करेंगे तो नीचे वाली साइड जाने लग जाएगा। अगर हम चाहेंगे तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ से रेडियस चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जितना हमारे को बेंडिंग रेडियस चाहिए उतना बेंडिंग रेडियस कर सकते हैं। कितनी डिग्री पे चाहिए वो भी हम दे सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एज की लेंथ है, फ्लैंज लेंथ है, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। भाई 50 चाहिए मुझे, तो ये इसकी लेंथ जो है एज फ्लैंज की 50 हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो लेंथ है ये कहाँ से कैलकुलेट करनी है, बेंडिंग के बाद करनी है या बिल्कुल कॉर्नर से करनी है, तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं। जो सेलेक्ट कर देंगे वहाँ से ये कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। अब ये जो बेंडिंग रेडियस है, ये देखो ध्यान से, ये आपको अंदर वाली साइड चाहिए, बाहर वाली साइड चाहिए या किस साइड चाहिए, ये भी हम कर सकते हैं कि जो बेंड है हमारा बिल्कुल, मैं कहता हूँ बाहर हो, तो ऑब्वियस है शीट का साइज जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम सब कुछ कर क्यों रहे हैं, ताकि हम इसको फ्लैट करके देख सकें। मतलब किसी भी शीट मेटल की चीज का ब्लैंक साइज निकाल सकते हैं आफ्टर उसको बनाने के बाद, है ना। तो एज फ्लैंज लिया हमने, जो भी एज सेलेक्ट की तो वहां से एक फ्लैंज बननी शुरू हो गई। कभी हमारा मन कहता है कि नहीं हमारे को इसको एडिट करना है, तो यहाँ पे हम एडिट फ्लैंज प्रोफाइल भी कर सकते हैं। इसमें क्या, इस विंडो को बंद नहीं करना हमने और हम इस प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। देखो स्केच हमारे पास ओपन हो गया, हम यहाँ पे स्केच में भी एडिट कर सकते हैं, पर होना जो है ऑब्जेक्ट वो क्लोज ऑब्जेक्ट ही चाहिए।
ठीक है, शेप मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, पर जो ऑब्जेक्ट है वो होना चाहिए उसके हिसाब से ही, क्लोज ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है। एज फ्लैंज भी, एज सेलेक्ट भी, कितने डिग्री पे चाहिए वो हमने यहाँ से डिसाइड कर लिए, ठीक है। एडिट फ्लैंज प्रोफाइल में गए और उसके बाद इसको आप नॉर्मल करके यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकते, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी बट अच्छे से देखेंगे तो सारी कमांड मैं इजीली समझा दूँगा कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो देखनी है, अगर पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो ये हमने फिनिश कर दिया तो ये हमारा बैंड हो गया। कभी भी हम चाहते हैं, हम इसको फ्लैट करके देखना चाहते हैं तो फ्लैटन भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। जब ये फ्लैट होगा तो के फैक्टर काम करेगा, उसका एक्चुअल जो साइज है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी जब भी हम एज फ्लेंज लगा रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एज फ्लेंज लगाता हूँ और मैंने जब एडिट किया तो मैं इसकी जो लेंथ है ये भी छोटी कर सकता हूँ, और लेंथ छोटी करने के साथ साथ इसको एडिट कर लेते हैं। एडिट पैरामीटर मैं इसका बेंडिंग रेडियस भी बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एज फ्लैंज प्रोफाइल इसको इधर से भी कर, ठीक है। यानी मैं जितनी है, मेरे को जरूरी नहीं है कि मेरी एज पूरी ही फ्लैंज बनेगी, और अगर मैं इसको अंदर कर देता हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको रेडियस अंदर कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे एक कट लग गया, क्योंकि ये शीट मेटल है, इसको बोलते हैं रिलीफ, जो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रिलीफ। अब ये जो रिलीफ है ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ये देखो ये शेप जो है रेक्टेंगुलर है। अगर हम ये शीट को यहाँ से नहीं काटेंगे तो ये शीट बेंड नहीं होगी, उसको काटने के लिए मेरे को रिलीफ देनी जरूरी है, ठीक है। दोबारा से करते हैं, हमने क्या किया, एज फ्लेंज ली, एज सेलेक्ट की, इधर आ गए और एडिट फ्लेंज करके इसको अंदर कर दिया, इसको भी अंदर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बैक करके हमने इसको रिलीफ दे दी और हमने बेंडिंग का दी अंदर से चली, और कितना बेंडिंग रेडियस है वो हमारी मर्जी है, वो हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर शेप में रिलीफ लग गई। अगर मैं रिलीफ चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ओ राउंड कर देता हूँ तो ये गोल हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे टीयर कर देता हूँ तो जस्ट एक जैसे चीरा नहीं लग जाता, बस उसने उसको काट दिया, ठीक है। तो आप कभी भी फ्लैटन भी करके देख सकते हैं तो हमारे को कैसी शीट चाहिए। तो ये शीट को तो ऐसे काटेंगे बट इधर से हमारे को ये ऐसे काटनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हमारे को समझना है शीट मेटल को तो बहुत आसान तरीका है कि सपोज करो मुझे गत्ते का डब्बा बनाना है पैकिंग के लिए किसी चीज की, ठीक है। तो हमारे को गत्ते को काटना है किसी ढंग से ताकि मैं उसको बेंड करने के बाद मेरा बॉक्स पूरा बन जाए। तो वो वैसी चीजों को बनाना है, कोई हमारे को जैसे अलमीरा बनानी है, कोई ट्रंक बनाना है, कुछ ऐसी चीजें बनानी है ना, किसी शीट की बॉडी बनानी है हमारे, तो वहां सब जगह ये काम आएगा। एज फ्लेंज समझ में है ना। नेक्स्ट हम कमांड करते हैं मीटर फ्लेंज। मीटर फ्लेंज में क्या होता है, ऑब्वियस है हमारे को एक बेस फ्लेंज तो चाहिए चाहिए, बेस फ्लेंज तो चाहिए चाहिए, तो हम एक बेस फ्लेंज बना देते हैं, ठीक है। इस वीडियो को देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे तुम भी करो, साथ साथ कंप्यूटर खोल के जैसे वीडियो को साथ में देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी करोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिखना। इसको हम फुली डिफाइन कर देते हैं, कैलकुलेट और डायमेंशन आ जाएंगे। फिनिश किया,
थिकनेस हमने दे दी 2 mm की, ये हमारा बेस है। अब मैं शीट मेटल में जाके मीटर फ्लेंज, मीटर फ्लेंज में क्या होता है, जो एज सिलेक्ट करेंगे वहां पे एक प्लेन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एज फ्लेंज में हम एक बार में एक ही बेंड कर सकते थे, इसमें हम जैसी शेप बना देंगे वैसा बनने लग जाएगा। ठीक है, जैसी शेप बना देंगे और फिनिश करेंगे तो ये जो हमने एज सिलेक्ट की थी उसके हिसाब से बेंड होना शुरू हो जाएगा। इसकी खासियत ये है कि मैं यहाँ पे ये वाली एज भी सिलेक्ट कर सकता, मीटर फ्रेम, यानी कि एक सेक्शन हमने बनाया और उसमें जैसी जैसी शेप थी वैसी वैसी बन जाएगी। अब हम इसको भी फ्लैटन कर सकते हैं, यानी कि अगर मुझे शीट चाहिए होगी तो मुझे ऐसी काटनी पड़ेगी, अगर मुझे वो वाली शेप बनानी तो बहुत इजीली हमारे को समझ में आ जाएगा कि कोई भी हमारे को कंपोनेंट कैसे बनाना है। ठीक है, मीटर फ्लेंज से दोबारा कर लेते हैं, इसको नई फाइल खोल लेता हूँ। सबसे पहले हमने बेस फ्लेंज बनाया, ठीक है, कैसी भी शेप हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि यही शेप बनानी है, कैसी भी शेप हो सकती है, उसको डायमेंशन दे दो, कैलकुलेट कर दो, ओके, फिनिश। कितनी थिकनेस चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं, ओके करेंगे। ठीक है, तो हर एक मटेरियल का के फैक्टर अलग होता है। ठीक है, तो मटेरियल के हिसाब से हमारे को के फैक्टर चेंज करना पड़ेगा। मीटर फ्लेंज लिया, एक एज सेलेक्ट की, प्लेन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, देखो इसको सीधा कर लो और जैसी शेप चाहिए ठीक है, ये ओपन प्रोफाइल होनी चाहिए, चाहे तो हम यहाँ पे रेडियस भी लगा सकते हैं, अदरवाइज वो बेंडिंग रेडियस ऑटोमेटिकली दे दें, क्योंकि ये शीट मेटल है तो इसमें बेंडिंग रेडियस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये एज नहीं सिलेक्ट कर सकता, बट मैं ऐसे घूम के यहाँ से आ सकता हूँ, तो ये एज सिलेक्ट कर लो, ये एज सिलेक्ट कर लो, ये एज सिलेक्ट कर लो, जो एज सिलेक्ट करते जाएंगे वहाँ पर मीटर फ्लेंज जो है लगती जाएगी, कोई जरूरी नहीं कम्प्लीट करना, जितने पोर्शन में चाहिए उतना पोर्शन में ओके कर, बेंडिंग रेडियस चेंज कर सकते हैं हम, सारा कुछ चेंज कर सकते, समझ आ गया मीटर फ्लेंज। ठीक है, बहुत अच्छी भी है और इजी भी है कमांड। नेक्स्ट कमांड है हैम, ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप सारी कमांड्स कर रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट कमांड है हैम, हैम में क्या होता है, सपोज करो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है बेस फ्लैंज, हमने कहा जी हैम करना चाहते हैं, हैम क्या है, प्री डिफाइंड शेप्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 शेप्स आ रही हैं, आपको कौन सी चाहिए, मैंने कहा जी मुझे ये ओपन लूप चाहिए, तो जस्ट एज सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे ये ओपन लूप बनने शुरू हो जाएगी। अब इसका डाया कितना चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं, इसकी लेंथ कितनी चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, और इसको हम एक एज नहीं, हम पूरी एज सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके करेंगे तो ये शेप बन जाएगी हैम। ठीक है, इसको फ्लैट ऑन करके देख सकते हैं हम, क्लियर हैम।
हेम में हमारे पास शेप्स अलग अलग है, तो ये शेप चाहिए तो ये शेप कर लो, उसके अकॉर्डिंग हमारे को यहाँ पे वैल्यू भरनी पड़ेगी कि हमारे को रेडियस कितना चाहिए और ये एंगल कितना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम जैसे हमारे को शेप चाहिए वो शेप हम ले सकते हैं, हेम कहते हैं उसको, हेम, ठीक है। नेक्स्ट कमांड जो है वो है जॉब, जॉब जॉब भी बहुत इजी कमांड है, काम की भी है बहुत। सपोज करो मैंने कोई बेस बनाया, कैसी भी शेप हो सकती है पर होनी क्लोज चाहिए, इसको स्ट्रेट कर देते हैं, तो इस स्ट्रेट कर देते हैं तो लीनियर भी कर, कैलकुलेट फिनिश करेंगे, इतना सा भी हेम कर लिया था हमने। नेक्स्ट है जॉब, जॉब में क्या है एक प्लेन सेलेक्ट करना है और इसको स्ट्रेट करना है और एक हमारे को सीधी लाइन लगानी, स्ट्रेट लाइन लगानी, चाहे एंगल पे भी लगा सकते हैं बट पहले स्ट्रेट लगाते हैं। एक मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई यहाँ से जहाँ से मुझे जॉब करना है, फिनिश करेंगे तो वो पूछता है फिक्स साइड कौन सी चाहिए आप, मैंने कहा जी फिक्स साइड इधर बनी, जैसे मैं यहाँ इस साइड क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली जॉब बनना शुरू। अब कितने डिग्री पे चाहिए, मैंने कहा जी 90 डिग्री पे चाहिए, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट, इसको ओके करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, अब उतने पोर्शन को उसने बेंड कर दिया 90 डिग्री पे और जॉब बना दिया, ठीक है। हाइट वगैरह हम डिसाइड कर सकते हैं, प्लेन सेलेक्ट किया, सीधा किया, एक लाइन लगाई, फिनिश किया, कहाँ से जॉब फिक्स साइड कौन सी, मैं कह दिस पर। अब इसकी हाइट कितनी चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब जॉब का डिस्टेंस कौन सा कैलकुलेट करना है, भैया हमने जो 10 mm दिया है वो कौन सा डिस्टेंस है, ये तीनों शेप्स आ रही हैं, एंगल कितने डिग्री चाहिए वो हम दे सकते हैं, ओके करेंगे, ठीक है। जॉब की शेप में, ठीक है, जॉब लिया, प्लेन सेलेक्ट किया, अगर मैं एंगल पे लाइन लगा देता हूँ फिनिश फिक्स पॉइंट, तो ये उसी डायरेक्शन में होने लग जाएगा, बेंडिंग रेडियस हमारी मर्जी, हम जितना देना चाहते हैं उतना दे, ठीक है। अब मैं इसको अगर फ्लैटन करूँगा तो ये ठीक, तो ये थी हमारी जॉब। नेक्स्ट है स्केच बैंड, ये भी बहुत काम की कमांड है, स्केच बैंड बहुत इजी भी है। ये हमने क्या किया, कोई भी शेप बनाई, मैं थोड़ी सी डिफरेंट बनाने वाला हूँ, मान लो मैंने गोल बना दिया, अब शीट को क्या पता कि वो चौरस है कि गोल है ना, तो जितनी मर्जी थिकनेस दे सकते हैं। अब एक वर्ड स्केच बैंड, स्केच बैंड लो, प्लेन सेलेक्ट करो और एक लाइन लगानी है भाई मुझे इस स्केच के अकॉर्डिंग बैंड करना है, फिनिश करेंगे तो हमारे से पूछेगा फिक्स साइड कौन सी, मैं कह जी दिस, अब बैंड कितना करना है, गोल मैंने इसलिए बनाया था कि हमारे को ये समझ में आया भाई हम किसी भी स्केच को बैंड, किसी भी बॉडी को, किसी भी शेप की बॉडी को बैंड कर सकते स्केच बैंड, प्लेन सेलेक्ट,
नॉर्मल किया, जिस एंगल में आपको बेंड करना है उस एंगल में एक लाइन लगाओ, फिनिश करो और फिक्स साइड बताओ ना कि जी दूसरे तो वो इस साइड हो जाएगी। अगर मैं ये फिक्स साइड चेंज कर देता हूँ, ये वाली ले लेता हूँ, तो उस साइड से बैंड होने लगेगा। ठीक है, जो चाहिए साइड चाहिए आपको फिक्स, उसको सेलेक्ट करके कितने डिग्री में बैंड करना है वो आप डिसाइड कर सकते। ओके, ये उसके अकॉर्डिंग बैंड हो जाएगा। बहुत इजी था स्केच बैंड, कोई भी चीज़ को बैंड करना है अगर मेरे को तो मैं स्केच बैंड से इजीली कर सकता हूँ। स्केच बैंड लिया, प्लेन सेलेक्ट किया, एक लाइन लगाई। ठीक है, बैंड करने की जगह जरूर होनी चाहिए, फिक्स साइड बताई तो वहाँ से। ठीक, कहीं से भी हम एक लाइन लगा के उस चीज को बैंड कर देंगे। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास क्रॉस ब्रेक। क्रॉस ब्रेक, अब क्रॉस ब्रेक का क्या काम है? जैसे कई बार हम बॉक्स बनाते हैं, मान लो कोई हमने गत्ते का बॉक्स बनाया तो वो नीचे से बंद होता है, वो ओवरलैप्ड होता है एक दूसरे के ऊपर। तो इस कमांड का काम सिर्फ यही बताना है कि कौन सी जगह जो है ओवरलैप्ड है। यानी कि अगर मेरा कोई चीज़ का बेस है ये वाला, मान लो ये मेरा बेस है, तो क्रॉस ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे एक कॉर्नर बन जाएगा ऐसे। ठीक है, किसी भी डब्बे को आप देखोगे ना नीचे से, वो ऐसे नीचे से क्रॉस बना दो, क्योंकि इसमें एक दूसरे के बीच में तो घुसा नहीं सकते, तो इसमें सिर्फ सिंबल लगा देते हैं भाई यहाँ पे क्रॉस ब्रेक है। ठीक है, इस कमांड का काम इतना ही है कि यहाँ पे एक निशान लग जाएगा क्रॉस ब्रेक। नेक्स्ट कमांड है स्वेप फ्लेंच। स्वेप फ्लेंच नाम से ही पता लग रहा है हमारे को कि हमारे को इसमें स्वेप करना पड़ेगा। शेप बनाई मैंने, ठीक है, पूरी शेप बना ली, फिनिश किए। तो स्वेप लेंस में आपको प्रोफाइल भी बनानी पड़ेगी, आप तो चाहिए चाहिए साथ में प्रोफाइल भी चाहिए। तो यानी कि मुझे एक प्लेन पहले लेके इसके ऊपर स्केच पहले ही बनाना पड़ेगा। अब जैसी शेप बना दूंगा मैं वैसा ही स्वीप की तरह, जैसे स्वीप कमांड होती है वैसे ही चलेगा ये, कि शीट मेटल में गए, स्वेप फ्लेंज ली, प्रोफाइल, पाथ कौन सा, पाथ में ये है जिसमें। ठीक, तो एक तरीके से स्वीप वाला काम हो गया बहुत आसानी से, पर ये है शीट मेटल में। ठीक है, बहुत जगह आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी, स्वेट फ्लेंच। ठीक है, नेक्स्ट कमांड हमारे पास कॉर्नर्स के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे क्लोज कॉर्नर, वेल्डेड कॉर्नर, ब्रेक कॉर्नर एंड कॉर्नर रिलीफ। ठीक है, क्लोज कॉर्नर में क्या होता है, मान लो मैंने कोई बेस बनाया, मैं इजीली एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे मैंने दो एज फ्लेंज लगा दी, एक एज फ्लेंज लगा दी 40 की इधर, और एक एज फ्लेंज लगा दी 40 की इधर। ठीक है,
अब ये जो इसका कॉर्नर है देखो अजीब सा हो गया, यहाँ पे इसी कॉर्नर को ठीक करने के लिए ऑप्शन है क्लोज कॉर्नर, आपने फेस सेलेक्ट करना है, दूसरा वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, एक साइड मैंने क्लिक किया दूसरी साइड वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब ऐसी शेप चाहिए, ऐसी शेप चाहिए, ऐसी शेप चाहिए, ये ऐसी शेप चाहिए, जो हम सेलेक्ट कर देंगे और इनके बीच में गैप कितना चाहिए दो हम कर देंगे तो ये दूर हो जाएंगे, ठीक है, तो कितना गैप चाहिए वो बता दो। ओके सर, एक्चुअली हमने उसकी ये जो रेडियस है ना, रेडियस बहुत छोटा है, दोबारा से करते हैं, ठीक है, ओके ओके। एक्चुअली उसको ये बैंड का नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करना है, तो हम यहाँ पे जो जब हमने एज फ्लेंज लगाई ना तो हमने ध्यान नहीं किया कि हम इसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है, तो कॉर्नर दिस फेस, ओके, तो इसको कॉर्नर नहीं कर रहा वो तो सिर्फ उतनी जगह को कर रहा है, तो ये जगह बंद हो गई तरीके से, ठीक है, यहाँ से वेल्डिंग कर देंगे, वेल्डिंग की भी ऑप्शन होती है हमारे पास, वेल्डेड कॉर्नर, तो फेस सेलेक्ट करना है, एक फेस ये, पहले हम वही करते हैं, क्लोज कॉर्नर कर रहे थे ना वो बीच में रह गया, अगर हम ये वाली शेप कर लेंगे, ओके करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ मैं, ज़्यादा है तो 0.5 इसको भी दूर कर सकते हैं, पता एक से ज़्यादा नहीं कर सकते आप, ये क्लोज कॉर्नर कमांड है, ये हमने एज फ्लेंज लगाई, और इसका जो रेडियस है इसको बाहर कर दिया, ठीक, अभी ये छोटा बड़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोज कॉर्नर लेंगे तो ये इसको ऑटोमेटिकली बंद कर देगा, ठीक है। एक यहाँ पे ऑप्शन होती है कॉर्नर ब्रेक की, वेल्डेड कॉर्नर भी करते हैं, ब्रेक कॉर्नर, ब्रेक कॉर्नर में क्या है, जिस सरफेस को मैं सिलेक्ट कर दूंगा उसके कॉर्नर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये शीट मेटल है इसलिए कोई भी कॉर्नर शार्प एज नहीं होना चाहिए, वो ब्लेड की तरह काम करने लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सरफेस सिलेक्ट करेंगे और कॉर्नर को ब्रेक कर लेंगे। अब राउंड शेप में करना है या स्ट्रेट में करना है वो हमारी मर्जी है, फिरट लगानी है ये चैम्फर, तो जो शेप आपको सही लग रही है वो आप कर सकते, ब्रेक कॉर्नर, एक कमांड है हमारे पास कॉर्नर रिलीफ, कॉर्नर रिलीफ में क्या है, देखो बॉडी उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर ली, कलेक्ट ऑल कॉर्नर, तो देखो उसने कलेक्ट ऑल कॉर्नर पे क्लिक किया तो उसने अपने आप कॉर्नर भी सिलेक्ट कर लिए। अब इन कॉर्नर पे आपको रिलीफ कैसी चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, सर्कुलर चाहिए, टीयर चाहिए, तो सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो मैंने कहा जी मुझे एक एम का सर्कुलर चाहिए, ओके करेंगे, तो यहाँ पे एक रिलीफ लग गई सर्कुलर शेप की, तो दिखेगी कैसे जब मैं इसको फ्लैटन करूंगा तो नजर आएगा, यहाँ पे उसने एक रिलीफ लगा दी अपनी, तो लगाएगा अपने हिसाब से ही जैसा उसको कॉर्नर मिलेगा,
दोबारा से करते हैं, देखिए सबको कर देते हैं बंद। ठीक है, एक ही कॉर्नर बच गया ना यहाँ पे, तो हमने इसको कहा कॉर्नर रिलीफ लगा दो इस बॉडी पे, सेलेक्ट ऑल कॉर्नर, तो उसको एक कॉर्नर मिल गया। कौन सी शेप चाहिए? हमने कहा सर्कुलर चाहिए। ठीक है, दो एम ओके, यहाँ पे दो एम का उसमें सर्कुलर रिलीफ लगा दिया। क्योंकि जब हम किसी शीट को बेंड करेंगे, जैसे कोन बनाते हैं, तो वो चोंच सी बन जाएगी, उसको हटाने के लिए, भाई वो चोंच सी ना बने, उसके लिए हमारे को यहाँ पे कॉर्नर रिलीफ लगाना पड़ता है। ठीक है, ताकि ये कॉर्नर खत्म हो जाए। ठीक है, ये फॉर्मिंग टूल मैं आगे जाके कराता हूँ। कमांड ऑफ शीट मेटल गसेट, इसमें क्या होता है, कोई भी दो सर्फेस ही सेलेक्ट करेंगे, उनके बीच में एक गुसेट लगने लग जाएगा। कैसी शेप चाहिए वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोफाइल की, कितना साइज चाहिए, क्या चाहिए, वो सारा कुछ हम डिसाइड कर सकते हैं। डायमेंशन सेलेक्ट करो, एक्चुअली इसका काम क्या होता है, शीट को स्ट्रेंथ देना काम होता है, देखो नीचे से कैसे, ताकि ये बैंड ना हो, तो हमने गुसेट लगा दी। दो बार लगाते हैं, एक फेस ये एक फेस ये। ठीक है, अब गोल चाहिए या रेक्टेंगुलर शेप में चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं, कितना डिस्टेंस चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं, ड्राफ्ट एंगल चाहिए कि नहीं चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, कॉर्नर में रेडियस वो भी डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे सारे डायमेंशन आ गए, ओके करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करो, तो यहाँ पे कॉर्नर इंटर इनर कॉर्नर रेडियस आउटर कॉर्नर रेडियस ओके कर देते हैं, दो दो कर देते हैं ओके कर देंगे, तो यहाँ कॉर्नरों पे इसके रेडियस लगा लग जाएगा। ठीक है, तो हमारे को अगर स्ट्रेट गुसेट लगाना है तो हम स्ट्रेट गुसेट लगा सकते हैं, और अगर मुझे किसी शेप में गुसेट लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। अगर मैंने कोई चीज बेंड की, मान लो मैंने कोई शेप बनाई, इसमें अलग अलग एज फ्लेंज या मीटर फ्लेंज या कुछ भी किसी भी कमांड से स्केच बैंड से हमने इनको बैंड कर दिया, ठीक है, कोई भी कमांड यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ भी बना दिया, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास अनफोल्ड। अनफोल्ड अगर फ्लैटन करता हूं तो सारे सीधे हो जाते हैं, अनफोल्ड से जिसको मैं चाहूंगा फिक्स फेस कौन सा, किसको बेंड करना है, ओके, पर्टिकुलर वही अनबेंड होगा या अनफोल्ड होगा। अनफोल्ड करने के बाद मैं इस पे कट लगा सकता हूँ, कुछ नहीं, एक्सट्रूड कट कर दिया मैंने, और उसके बाद दोबारा से फोल्ड कर दिया, जो अनफोल्ड किया था वही चीज फोल्ड होगी दोबारा।
अगर वही भाई ये कट नहीं मार सकता बस पूरा गोल। हमने क्या किया, पहले उसको बैंड कर लिया, फिर अनबैंड करके उसको कट मार दिया, फिर उसको दोबारा से फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो ये फोल्ड अनफोल्ड। ठीक है, तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब हमारी कमांड कौन कौन सी रहेगी, एक तो कन्वर्जन रहेगी, एक लॉफ्ट कमांड रहेगी, एक हमने यहाँ पे फॉर्मिंग टूल करनी है, एक हमारे को करनी है टैब एंड स्लॉट। ठीक है, ये सारी तो सिंपल कमांड है, एक्सट्रूड कट वेंट ये वो। ठीक है, हमारी एक दो तीन चार कमांडें रहेगी। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। तो वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना है और नेक्स्ट ट्यूटोरियल जरूर देखना है, उससे हमारा शीट मेटल की सारी कमांड्स क्लियर हो जाएंगी कि हमारे को कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ जाके आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं।